स्वागत है आपका। आप आम जनता क्या कहती है शो में। अभी हम मौजूद हैं पुनाच रही टोल, जो कि सहरसा दरभंगा के बॉर्डर पर स्थित है। अभी यहाँ की गांव की जनता का दुख दर्द सुनेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ के पुनाच रही टोल, जो कि आज 2 महीने से बाढ़ से काफ़ी प्रभावित गांव है, और उस गांव की जनता से हम राय लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि बाढ़ में आपके साथ क्या हुई क्या नहीं हुई। अब यह गांव पुनाच रही टोल महसी प्रखंड, जो कि सहरसा जिले के अंतर्गत आता है, इस महादेव मंदिर परिसर में अभी हम मौजूद हैं और बात करेंगे इस गांव की जनता से। आपका सर नाम? अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू। सर, यहाँ बाढ़ आई थी। हाँ, बाढ़ आई थी। इसमें बाढ़ जब आई थी तो क्या क्या क्षति हुई आप यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ क्षति हुई है, जैसे जान माल हुआ, कुछ फसल हुआ, फसल तो यहाँ पे बाढ़ आए हैं, बहुत लोग को परेशानी हुआ है, जान माल का क्षति हुआ है, उसमें फसल भी जितना है वो सब बर्बाद हो गया है। हम लोग का बाढ़ राहत को सामग्री मिला, कुछ को मिला है, कुछ को बहुत को नहीं मिला है। हम लोग पेपर दिए हैं, बहुत पेपर जा करके ब्लॉक में दिए हैं, अभी तक कुछ अनुदान उनको नहीं मिल रहा है। बोलता है कि अभी तक तले लोग है, तो लोग सब, हम लोग प्रतिनिधि जितने हैं सारे परेशान हैं, और जनता लोग भी परेशान है। अभी तक किसी को अनुदान सही पूर्वक से नहीं आया है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं? हम यहाँ के प्रतिनिधि। क्या नाम हो सर आपका? अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू। यहाँ जो पुनाच रही टोल है, यहाँ से जो क्षति हुई है यहाँ पे इस गांव में बाढ़ से, उस क्षति के बदले जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो अनुदान राशि की घोषणा की है, उसमें कितने लोगों को अब तक मिला? लगभग रखिए ना 30-40% के लमसम में मिला है पूरे पंचायत में। पूरे पंचायत। हाँ, और सब बहुत बाकी है। और बाकी है, बाढ़ जब यहाँ पानी इस गांव में लगा हुआ था तो सरकार क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई? सरकार तो सुविधा मुहैया कराए हैं, ये 6,000 को जो अनुदान है, ये तो अनुदान है। जब अनुदान, जब आप पानी से निकलेंगे तभी तो आप अनुदान उठा पाएंगे, लेकिन जब पानी था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी या यहाँ के स्थानीय प्रशासन क्या क्या सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए उपलब्ध? यहाँ का उपलब्ध तो बस एक ही तो यही हुआ है, ये किसान वाला जो है ये भी हो रहा है। मीटर तो नहीं मिला है, यहाँ पर आए हैं, जांच उच करके चले गए हैं, अभी तो नहीं प्लास्टिक मिला है, नहीं कुछ मिला है। खाना का सुविधा था सर? नहीं, खाना का सुविधा कुछ नहीं था यहाँ से, मेरी बहन। अच्छा, यहाँ पे सरकार बार बार कह रही है कि मैंने बाढ़ पीड़ित में हर चीज़ का सुविधा मैंने दिया, नाव दिया, मैंने खाना दी, मैंने पानी का दिया, क्या आपके गांव में ये सब पहुंचा था सुविधा? नाव का जहाँ जहाँ व्यवस्था था वहाँ वहाँ तो दिया। अच्छा, यहाँ तो एक नाव का व्यवस्था दिया था। अच्छा, लेकिन वो अब चलाया कि नहीं चलाया ये हमको पता नहीं। बाबा आपका क्या नाम? ठाकुर पासवान। ठाकुर पासवान। यहाँ ये जब पानी यहाँ पे आया था उस समय सरकार क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी थी? सर, यहाँ कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला। 106,000 रुपया वाले को नाम सुनते ही है, लेकिन अभी तक बैंक का चक्कर लगाते लगाते अभी तक वो 6,000 का कोई उपलब्ध नहीं है। न यहाँ नाव की सुविधा है, नाव सुनते हैं दिया है, अगर पंचायत में दिया भी होगा तो ये चीज को मुखिया के माध्यम से दिया होगा, मुखिया जानेगा, हम लोग आज वो नाव को देखबो नहीं किए। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम सिकंदर पासवान। यहाँ बाढ़ आया था सर? बहुत भयंकर आया, बहुत भयंकर बाढ़ थी, घर घर पानी था, घर घर पानी था, कोसी का पानी आया, मोड़ करके आया, अंजला बलान का भी पानी आया, इधर से भी आती है, तो घर में पानी थी। उस टाइम में कर्मचारी आए, घर को इंक्वायरी किए, सबका घर देखे, उसके बाद सबका घर टूटा हुआ है, ऐसे तो हम आपको मुंह से क्या बता दे, नहीं हो तो वहाँ जा करके जाँच कर लिया जाए जो ये घर गिरा हुआ है इसको क्यों नहीं मिला। और कह करके गए कि हम आपको प्लास्टिक लेकर के आते हैं, चूरा लेकर के आते हैं, स्वयं कर्मचारी ही बोले और नहीं लेकर के आए। उसके बाद भी बोले कि हमने शिविर चलाए, फिर तीसरे साल अगर बाढ़ ऐसे आया हम लोग का, तो उस साल सरकारी इस जगह हम लोग का शिविर चलवा दिया, उसमें यहाँ का बच्चा भोजन किया, 1 महीना हम लोग भोजन किया, वह तो अब इस बार मिला नहीं, पिछला साल हुआ, पिछले साल तो अगले बार तो सरकार दे चुके थे भाई, यहाँ शिविर लगा करके भोजन करवाइए सबको, 1 महीना क्वारंटीन दिया हम लोग का भोजन, उसके बाद तो चूरा भी नहीं किया, प्लास्टिक तो भी नहीं किया, बच गया मामला यहाँ
जो सरकार कह रही है कि हम आपको दे रहे 6,000 रुपया, वह 6,000 रुपया किसी का खाता में आ गया है तो किसी का खाता में नहीं आ रहा। वो भी आक्रोश हो रहा है कि हम जाते हैं बैंक चक्कर लगाते हैं, हमको मिलता नहीं है। कारण क्या है इस बात? हम लोग चक्कर लगाते हैं और हम लोग का मिलता नहीं है। अगर हम लोग मजदूरी करते हैं तो 200 रुपया आ जाता है, और उस चक्कर मारते हैं तो उसमें तो 4 में पैसा नहीं आता है। सरकार अगली बार दिया था जितना देना चाहिए, तीसरे साल जितना दिया उतना तो दे दिया, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया? इस बार कहता है तुम्हारा खाता गड़बड़ है, तुम्हारा यह गड़बड़ है, तो गड़बड़ तो सरकार का काम था करना, वो तो हुआ नहीं, इसलिए हम लोग का पैसा अभी तक मिल नहीं रहा। यही मामला है। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ तो हर एक साल आती है। अच्छा। इस बार तो भयंकर आ गया, भयंकर ज्यादा आ गया, अगले साल से ज्यादा है पानी इस बार। अच्छा। यह तो पानी घटा है, इसलिए बारिश रुका है तो पानी घट गया है, लेकिन हम लोग का बाढ़ बहुत तबाही कर रहा है। माल मवेशी का बोले कि चारा देंगे सरकार, ऐसे सरकार चारा क्या देगा? अभी तो जनता को 6,000 रुपया नहीं आ रहा है, यही मामला है। और बाबा आपका क्या नाम? भूमि पासवान। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है यहाँ, ने कोई प्लास्टिक दिया, ने कोई चूड़ा राहत दिया, अकाउंट में जो पैसा आया है 6,000 भी नहीं मिला है। जाते हैं देर बेर कहते हैं नहीं आया, लोग लग गया। आपका बाबा क्या नाम है? बाढ़ आई थी, घर में पानी था। हाँ। उसके बाद गाय माल था। हाँ, कैसे आप गाय माल को रखे थे पानी में? बहुत दिक्कत से रखे हैं। कहाँ रखे थे? बांध पर रखे हैं। ये जो 17 नंबर आप देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी बांध पर हम लोग अभी तक। अच्छा। देखिए न प्लास्टिक मिला, न चूड़ा मिला, न राशन भोजन मिला, कुछ नहीं मिला। अभी कहता है 6,000 ग्रीत वाला पानी, पानी वाला हम 6,000 टका हम हर जन को गरीब को खिलाएंगे, वो भी टका नहीं मिला है सरकार। अब हम लोग किया की पूछते हैं, हम लोग तो बहुत दिक्कतदारी से डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बीनो पासवान। बीनो पासवान। अभी मैंने उनाच रही गांव में कुछ जनता से मैंने बात की, यहाँ के जनता काफी आक्रोशित मुद्रा में है। अभी उनाच रही टोल में कुछ जनता से मैंने बात की, कुछ बाढ़ पीड़ित से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ ना तो किसी तरह की सुविधा थी, ना तो यहाँ खाने का सुविधा था, ना जान माल की कोई सुविधा थी, ना जान माल की चारागाह का कोई सुविधा था। यहाँ पे कुछ कर्मचारी आए और उन्होंने कमिटमेंट किया, यहाँ वादा करके गए कि मैं सारा चीज अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वो कर्मचारी उसी दिन जो गए हैं फिर उसका चेहरा यहाँ के जनता ने नहीं देखा। उसके बाद नीतीश सरकार ने घोषणा की कि बाढ़ पीड़ित को 6,000 रुपया अनुदान राशि मिलेगा। आज वो 6,000 की आस में यहाँ की जनता आज भी बैंक की दरवाजा खटखटा कर सामने लौट रही है। ये गरीब जनता की आवाज है, ये आवाज कब तक जारी रहेगा और ये आस कब तक रहेगा? हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि ये गरीब जनता की आवाज को भी सुने और देखें कि किस तरह गरीब जनता आज भी बाढ़ की पानी में कैसे जी रहा है। और कुछ यहाँ की महिलाएं से भी बात करेंगे, जो महिलाएं का काफी कुछ कहना है सरकार से, प्रतिनिधि से बात करेंगे महिला से। क्या नाम हो आपका? आपको 6,000 रुपया मिला? नहीं मिला है। आपका क्या नाम हुआ? अर्मिला। आपको 6,000 रुपया अनुदान मिला? हमें तो मिले, हमें दोनों बच्चे नहीं मिले। आपके बेटे को नहीं मिला? आपको मिला? नहीं सर, हमरा और का कुछ नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? हमरा अमला देवी। अमला देवी। हाँ। हम कुछ तो कमीनारो नहीं छे सर, आ कहल के बाढ़ पीड़ित में एक बोरा का चावलो देते, गेहूँ देते, टको दे, कुछ नहीं दे। घर हमर सब सुन लो, अखन हमर घर पीड़ित गिरल छे, अहाँ इनकार क्या कैसे देखो? आपको भी नहीं मिला? क्या नाम है आपका? अरविंदर पासवान। एक बीघा धान को फसल दहा गया, अनुदान मिला, हमें बाढ़ पीड़ित मिला, बैंक जाते हैं घूर घूर आते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं में हम लोग को मिलता है। क्या नाम आप? बुच्ची पासवान मिलता। अब देखने वाली बात यह है कि ये बाढ़ पीड़ित की आस जो है इस पुनाच वाले, ये यहाँ पे इनका आस, इनकी जो आशा है वो कब तक दफन होता रहेगा? संवाददाता जनीश आलम के साथ बिजनेस हेड विनय कुमार, कंट्री इनसाइट पटना।